नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल को अपनी हार का डर अब सताने लगा है। हार का डर इस कदर है कि केजरीवाल ने पंजाब निकलने की तैयारी कर ली है और पंजाब में सीएम भगवंत मान को अल्टीमेटम दे दिया गया है कि आप अब अपना बोरिया बिस्तर समेट लीजिए। और बोरिया बिस्तर तो खुद केजरीवाल ने ही समेट दिया, जब उनके खासम खास ओंकार सिंह को निकालकर बाहर फेंक दिया उनके बिना बताए। और वहां पर विजय नायर और जो केजरीवाल का गुंडा था विभव कुमार, उसको लगा दिया है काम पर। अब आपको हम मेन जो बात है वो बताते हैं। केजरीवाल डर चुके हैं, उनको पता लग गया है कि अब दिल्ली में उनकी ज्यादा दिन दाल नहीं गलने वाली है। लेकिन पैतरेबाज केजरीवाल पैतरे चलने से बाज नहीं आएंगे। आज उन्होंने दिल्ली की जनता के सामने एक और पैतरा चला, बिल्कुल नया नया पैतरा, कि अरविंद केजरीवाल ने आज ये ऐलान कर दिया कि अब आम आदमी पार्टी और वो खुद 29 अक्टूबर तक दिल्ली के हर घर तक पहुंचेंगे। और इसके लिए उन्होंने 2 पेज का एक लेटर जारी किया है दिल्ली की जनता के नाम। और लेटर को सुनकर आपको हंसी आएगी। ऐसी ऐसी बातें, ऐसा सा झूठ उसमें लिखा गया है कि आप सोचकर हैरान रह जाएंगे। मैं जेल गया केवल आपके लिए। अगर मैं दिल्ली में आपके लिए ये सब काम ना करता, अगर मैं दिल्ली में आपको ये सुविधाएं ना देता, तो फिर ये मेरे को जेल नहीं भेजते। गलत तो नहीं कह रहा? अगर मनीष सिसोदिया आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल ना बनाता, तो मनीष सिसोदिया कभी जेल नहीं जाता। अगर सतिंदर जैन आपके लिए मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनाता, अच्छे अस्पताल नहीं बनाता, आपके लिए फ्री दवाइयां, फ्री टेस्ट, फ्री इलाज का इंतजाम नहीं करता, आज सतिंदर जैन जेल में नहीं सड़ रहा होता। तो हम सारे जेल गए आपके लिए। मैं, मनीष, सतिंदर आपके लिए जेल गए, इसका हमें जरा भी गम नहीं है, जरा भी दुख नहीं है। हमारी पूरी जिंदगी देश और समाज के लिए समर्पित है। लेकिन पिछले 10 वर्षों में कड़ी मेहनत और पूरी ईमानदारी से हमने आपके साथ मिलके जो काम किए हैं, वो काम बंद नहीं होने चाहिए। ये मेरी चिंता है। मेरी चिंता ये नहीं है कि हम जेल गए, और भी जेल देश के लिए जेल जाना पड़ेगा, जाएंगे। लेकिन मेरी ये चिंता है, दिल्ली के 3 करोड़ 2 करोड़ लोगों के साथ मिलके पिछले 10 साल में हमने जो दिल्ली को सुधारा है, स्कूल सुधारे हैं, अस्पताल सुधारे हैं, लोगों की जिंदगी सुधारी है, वो काम बंद नहीं होने चाहिए। दिल्ली के कामों को और आपको मिल रही सुविधाओं को अब केवल आप अपने वोट की ताकत से बचा सकते हो। मुझे भरोसा है कि हम सब मिलके बीजेपी के काम रोकने के हर षड्यंत्र को आगामी विधानसभा चुनाव में वोट की ताकत से हराएंगे। मुझे विश्वास है कि दिल्ली में सभी कामों को जारी रखने के लिए आप आम आदमी पार्टी की सरकार फिर बनाएंगे और आपके वोट के समर्थन से मैं फिर से मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालूंगा और पहले की तरह आपके सारे काम करवाऊंगा। ये चिट्ठी लेके अपने को घर घर जाना है। ये जनसंपर्क अभियान है जिसको आज से शुरू कर रहे हैं। एक एक कार्यकर्ता को मेरे लिए नहीं करना, अपनी दिल्ली बचाने के लिए करना है। और दिल्ली ने पूरे देश को एक उम्मीद दी है। ये जो काम हमने किए हैं, अस्पतालों के, स्कूलों के, बिजली के, पानी के, सड़कों के, तीर्थ यात्रा के, महिलाओं की यात्रा के, फरिश्ते स्कीम, ये काम किसी ने सोचा ही नहीं था, किसी पार्टी ने किया ही नहीं था, और ना इनके करने की कोई मंशा है। ये काम रुकने नहीं चाहिए। तो जो जो लोग देश के लिए सोचते हैं, दिल्ली के लिए सोचते हैं, वो सारे इसमें लगेंगे। इसलिए नहीं लगेंगे कि मैंने कहा, इसलिए लगेंगे कि अपनी दिल्ली की और अपने देश की चिंता है। तो सब लोगों को अगले 10 दिन तक 15 दिन तक खूब मेहनत के साथ इस कार्यक्रम के अंदर हिस्सा लेना है, घर घर जाना है और जनता को बताना है कि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सतिंदर जैन, इनकी गिरफ्तारी का सच क्या है। भारत माता की। पहली बात तो सबसे बड़ा झूठ यह है
कि ये बात समझ नहीं आती कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर ऐसा कौन सा काम किया है जो किसी सरकार ने नहीं किया, जो 70 सालों में नहीं हुआ। ये इतना बड़ा झूठ आखिर बोल कैसे लेते हैं, ये बात भी समझ से परे ही रही है। हालांकि जनता जो दिल्ली के अंदर जो लोग हैं उनमें से काफी लोग अपने कुछ फायदों को लेकर उन्होंने अरविंद केजरीवाल की पार्टी को, आम आदमी पार्टी को वोट किया था, लेकिन अब उनके दिमाग, दिल और दिमाग से भी ये पर्दा गिर चुका है कि अरविंद केजरीवाल किसी भी तरीके से उनका भला करें। इसके अलावा 100 करोड़ रुपए की जो रिश्वतखोरी के, भ्रष्टाचार के आरोप हैं जिनमें ये जेल गए, शिक्षा के अंदर कितना बड़ा घोटाला हुआ, स्कूलों का सत्यानाश कर दिया जो मनीष सिसोदिया ने झेला, अस्पतालों का आज भी सत्यानाश है जिनका पाला अस्पतालों से पड़ता है। आप सोच के देखिए जरा अस्पताल क्या से क्या बना दिए गए। मोहल्ला क्लिनिकों का हाल यह है कि एक एक डॉक्टर के पास चार चार मोहल्ला क्लिनिक दे दिए गए, बेचारा सारे दिन भागने के अलावा उसके पास कुछ नहीं है और मोहल्ला क्लिनिकों में कुछ हो नहीं रहा केवल घोटाले के अलावा। तो अरविंद केजरीवाल जिस तरीके के दावे कर रहे हैं उनके सभी दावों की हवा निकल चुकी है, लेकिन केजरीवाल हैं आखिर, ये शर्म इन्हें आती नहीं है लेकिन प्रयास ये जरूर करते रहेंगे। तो आज अरविंद केजरीवाल ने 2 पेज का एक पत्र लिखा है और उस पत्र के जरिए दिल्ली के लोगों के दिलो दिमाग से खेलने की फिर से कोशिश की जा रही, लेकिन ये कोशिश इस बार केजरीवाल जी कामयाब नहीं होगी क्योंकि आपने कुछ किया नहीं दिल्ली के अंदर। नालियों का बुरा हाल है, खड़ंजे बने नहीं, दिल्ली की सड़कें नहीं बननी है, दिल्ली धूल धूल है, कहीं आपको नजर नहीं आ रहे, टूटी सड़कें, टूटे फ्लाईओवर, टूटी पुलिया, टूटे रोड, टूटी गलियां, पानी की भरमार, कीचड़, यमुना में लोग डूबते हुए, पानी के लिए तरसते लोग, सीवर लबालब भर चुके हैं, माहौल इस कदर है कि सड़कों पर जाम है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो केजरीवाल जी आप भूल जाइए कि आपसे ना हो पाएगा। तो अब केजरीवाल जी क्या कहते हैं, आज उन्होंने क्या, किस तरीके से दिल्ली के लोगों के दिलों से खेलने की कोशिश की, हम थोड़ा सा आपको विस्तार से बताते हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा दिया था, उन्होंने पत्र में इस्तीफे की वजह बताई और बीजेपी ने इसे सत्ता हथियाने का प्रयास। केजरीवाल ने कहा उन्होंने दिल्ली के हित में काम किया और इसके लिए जेल भी गए, आगामी चुनाव में दिल्ली के मतदाताओं से समर्थन मांगा है। अब देखिए दिल्ली के हित में शराब घोटाला करके 100 करोड़ रुपए की रिश्वत खाना दिल्ली के हित में कैसे हो गया केजरीवाल जी, जरा ये एक बार बता दीजिए। अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली के मुख्यमंत्री तो नहीं है लेकिन पिछले महीने उन्होंने आतिशी को यह जिम्मेदारी दे दी थी। केजरीवाल के इस अचानक लिए फैसले से उस वक्त सब हैरान थे, बीजेपी ने इस नाटक तो बताया ही था क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब जेल में थे तब भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, बाहर आके क्यों तैयार हो गए, ये सबको नाटक लगाई। अब यही सारी वजह अरविंद केजरीवाल ने एक पत्र लिखकर जनता के नाम साफ किए हैं। उन्होंने अपने सीएम पद से इस्तीफा क्यों दिया, केजरीवाल ने कहा कि मैंने दिल्ली के मतदाताओं के नाम एक पत्र लिखा है जिसमें बताया गया कि मैंने दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा क्यों दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं आज से जनसंपर्क अभियान शुरू कर रहा हूं, सारे अभियान अरविंद केजरीवाल के अब तक फेल हुए हैं, आप ये समझ लीजिए फिर जनसंपर्क अभियान कर रहे। मैंने दिल्ली के मतदाताओं के नाम एक पत्र लिखा है जिसमें बताया गया कि मैंने दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा क्यों दिया था। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस पत्र को 29 अक्टूबर तक दिल्ली के हर दरवाजे तक पहुंचाएंगे। केजरीवाल ने लगभग 2 पन्ने का पत्र लिखा है जिसमें उनके इस्तीफे की वजह छिपी हुई है, अभी आपको वजह भी बताएंगे, आपको हंसी आ जाएगी, देखिए हंसिएगा मत प्लीज। अरविंद केजरीवाल ने अपने पत्र में लिखा कि इन लोगों ने मुझे 5 महीने जेल में रखा, इन्होंने मुझे गिरफ्तार क्यों किया, आपको असली कारण पता चलेगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। ये तो सब जानते हैं कि मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, नहीं बिल्कुल आपने किया भ्रष्टाचार, आप बता दीजिए 100 करोड़ रुपए की आप किसने रिश्वत खाई, कहाँ गए वो पैसे, 45 करोड़ रुपए कहाँ से आए थे जो आपने गोवा चुनाव में भेजे थे उनके बारे में बता दीजिए। जनता, दिल्ली की जनता आपसे सवाल पूछ रही है केजरीवाल जी, आपको बताना होगा कि वो 45 करोड़ रुपए जो हवाला के जरिए भेजे थे
जिसमें चंद्रप्रीत सिंह चन्नी और जो आपका एडवोकेट विनोद है राठौर, वो इसमें शामिल हैं। सारे एजेंट पकड़े जा चुके हैं, सारे लोग पकड़े जा चुके हैं गोवा में। आप अच्छा ये ही बता दीजिए कि गोवा में ग्रैंड हयात होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में आप कैसे ठहरे थे, उसका खर्चा किसने दिया था, ये बता दीजिए बस। चलिए सारी बातें मान ली आपकी, लेकिन ये नहीं बताएंगे। दिल्ली की जनता पूछती है ये बात, हम नहीं पूछ रहे। केजरीवाल भ्रष्टाचार कर ही नहीं सकता, अरे बहुत किया, फिर इन्होंने मुझे गिरफ्तार क्यों किया? क्योंकि दिल्ली में जो मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, आपको जो सुविधाएं दे रहा हूं, वो काम रोकने के लिए और वो सुविधाएं बंद करने के लिए उन्होंने मुझे गिरफ्तार किया। ये केजरीवाल लोगों के दिमाग से फिर से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और वो पत्र आप ये समझिए नालियों में पड़े मिलेंगे, हम आपको उनकी प्रतियां भी दिखाएंगे। नालियों में अगर पड़े ना मिले, दिल्ली की जनता हाथ भी नहीं लगाने वाली है इनके पत्रों को, हम आपको जरूर ये बात दिखाएंगे। आने दीजिए जरा। केजरीवाल ने आगे कहा कि ये दिल्ली के काम क्यों रोकना चाहते हैं, मैंने दिल्ली में वो काम कर दिया जो आज तक देश में कभी नहीं हुए। कोई काम केजरीवाल जी, दिल्ली आज नरक बनाकर रख दिया आपने। लोग कह रहे हैं कि दिल्ली को नरक बनाकर रख दिया और आतिशी को वहां से भागना पड़ा, लोग पीछे पड़ गए उनके, तो वो नरक के लिए आप क्रेडिट ले रहे हैं, ये पहले आदमी है। इनकी 22 राज्यों में सरकारें हैं, वहां ये लोग दिल्ली वाले काम नहीं कर पा रहे, वहां जनता ने अब इनसे पूछना शुरू कर दिया। पता नहीं कहां से जनता आती है, कौन सी आती है, वैसे ही मतलब भाई कमाल का आदमी है भाई। दिल्ली वाले काम उन राज्यों में क्यों नहीं हो रहे हैं, इसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। अगर जनता पूछ रही होती तो हरियाणा में आपका सूपड़ा साफ क्यों हो जाता केजरीवाल जी, इसको जरा बता दीजिए। जम्मू कश्मीर में तो आप दिखाई भी नहीं दिए, एक बेचारा कोई जीत गया उसे ही अपना बना लिया, कमाल का कैलिबर है बॉस। दिल्ली के अंदर लोकसभा चुनाव में सूपड़ा साफ हो गया, अगर जनता ही पूछ रही होती तो फिर आपका सूपड़ा साफ क्यों होता। खैर आगे बढ़ते, पंजाब में हमारी जीत के बाद इनको लगने लगा कि अगर जल्दी दिल्ली का काम नहीं रोके गए तो पूरे देश में इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी और आम आदमी पार्टी पूरे देश में आ जाएगी। अब पंजाब के जीत को ले आए, जो कई साल पहले जीत हो गई थी उस पंजाब की को ले आए, क्योंकि अभी की जो हार है उसको कोर्ट नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने, कि भैया मेरे सर माथे पर है, मैंने जो गलत काम किए थे, मैंने जो पाप किए थे, मेरे लोगों ने, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जैसे लोगों ने जो पाप किए थे, उनकी वजह से हमारा सूपड़ा साफ हो गया हरियाणा के अंदर, हम इसको एक्सेप्ट करते, ये नहीं कहा। फिर दवाइयों की बातें करने लगे, मुझे मारना चाहते थे, इंसुलिन देना चाहते नहीं दे रहे थे, और इनकी जो डॉक्टर था वो बता रहा था 4 महीने पहले से इंसुलिन ही बंद थी इनकी, ये तो कहीं ट्रीटमेंट करा के आए थे, ये भी होने लगा। अब हम आपको बताते हैं क्या क्या पॉइंट अरविंद केजरीवाल ने रखे हैं और उनमें क्या लोचा है। देखिए सबसे पहले ये लोग आपकी फ्री बिजली बंद करेंगे। आज केवल बिजली चोरी और झुग्गी झोंपड़ी इलाकों के अंदर अगर छोड़ दिया जाए, जहां पर मीटर ही नहीं लगते हैं, तो किसी को भी बिजली फ्री नहीं मिल रही है। दिल्ली के मिडिल क्लास लोग जो बिजली के बिलों को पे कर रहे हैं, वो अरविंद केजरीवाल के झूठ को और वोट जरूर दीजिएगा, ताकि केजरीवाल की जमानत जब्त हो जाए और ऐसा आदमी झूठ बोलकर वोट प्राप्त करने की कोशिश दोबारा ना करे। पहले की तरह से दिल्ली में पावर कट लगने चालू हो जाएंगे, बिल्कुल गलत। शीला दीक्षित के समय जब अजय माकन बिजली मंत्री हुआ करते थे, तब प्राइवेट बिजली कंपनियों की एंट्री हुई थी, वही आज भी काम कर रही है, और इसके बाद से दिल्ली के अंदर कोई पावर कट नहीं लगता था, बल्कि आपके सरकार में अब कई कई घंटे बिजली गायब रहती है। कितना बड़ा झूठ है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों और सरकारी अस्पतालों को बर्बाद कर दिया जाएगा। दिल्ली के सरकारी स्कूल और सरकारी बर्बाद अस्पताल अरविंद केजरीवाल के टाइम में बर्बाद हो चुके हैं, बहुत बुरी स्थिति में। जिन लोगों का कभी ईश्वर ना करे गलती से पाला पड़ा होगा, उन सबको पता होगा दवाइयों के लिए लंबी लंबी लाइनें, एक्सपायरी डेट की दवाइयां, और दवाइयों के अलावा एक एक बेड पे दो दो मरीज, कोई इलाज नहीं, और अस्पतालों के बाहर जो चांडाल चौकड़ी के गार्ड खड़े कर दिए गए एजेंसियों के, उन्होंने दिल्ली की जनता को जो अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में जाती है,
उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया है, उनके लिए जो राक्षस साबित होते हैं, इससे ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। आप जो भी कोई व्यक्ति अस्पताल अपने या अपने किसी परिजन के या दोस्त को देखने गया हो, वो उसने अगर ये झेला हो तो वो अरविंद केजरीवाल को जरूर बाहर कर देगा सत्ता से। मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे। मोहल्ला क्लिनिक क्या है? सब बंद पड़े हैं, घास है तीन तीन चार चार फीट लंबी। कहोगे तो हम आपको फिर मोहल्ला क्लिनिक, बड़े बड़े मोहल्ला क्लिनिक को आपको आपको वीडियो डाल देंगे, कल ही बना के दे देंगे आपको, मोहल्ला क्लिनिक की असलियत बता देंगे आपको। लेकिन उसके उसकी एवज में जो लैब टेस्ट के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने करोड़ों रुपए खाए हैं, और जो उसके एवज में किराए के नाम पर जो पैसा खाया गया है, वो आपको याद रखना चाहिए। फ्री दवाइयां, फ्री टेस्ट और फ्री इलाज बंद कर दिए सरकारी अस्पतालों में। पहले से ही आजादी के बाद से दवाइयां फ्री थी, टेस्ट फ्री थे और इलाज फ्री था सरकारी अस्पतालों में, सरकारी स्कूलों में। सब तरफ मुफ्त था, हर तरफ फ्री इलाज, फ्री पढ़ाई, सब चीजें फ्री थी। आपका फ्री पानी बंद कर दिया जाएगा। कौन सा पानी? जो सड़ा हुआ है, जो आता नहीं है। दिल्ली वालों को जवाब देना होगा। महिलाओं का बसों में फ्री सफर बंद कर देंगे। महिलाओं को बसों में फ्री सफर देते देते आज DTC घाटे में है बुरी तरीके से, और साथ ही दिल्ली के खजाने पर 7,000 करोड़ का घाटा हो गया है। ये 31 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है अरविंद केजरीवाल के सर ये सेहरा बंधेगा। 7,000 करोड़ के घाटे में दिल्ली का बजट है, और जो दिल्ली का टैक्स पेयर है, जो भर भर का टैक्स देता है, उसके पैसे को अरविंद केजरीवाल ने उस गाड़ी कमाई को अपने वकीलों के खर्चे पर लुटा दिया है। बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा बंद कर देंगे। वो बुजुर्ग जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लोगों के ही बुजुर्ग सिर्फ यात्रा करते हैं, उन्हीं के लोगों को राशन मिलता था। कोरोना काल में भी सिर्फ आम आदमी पार्टी के जो सपोर्टर या वर्कर थे, केवल वही फायदा उठा रहे थे, और वही बुजुर्ग आज भी यात्रा कर रहे हैं, कोई आम लोग नहीं जाते हैं। आप समझिए, केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। और जो पत्र आपको भेजे, आप इस पर रिएक्शन जरूर दीजिएगा, हम आपके पास जरूर आएंगे इस पत्र के ऊपर आपसे रिएक्शन लेने के, दिल्ली की जनता क्या बोलती है और क्या चाहती है और क्या मूड है। अरविंद केजरीवाल के अब तक जनमत, वो क्या जनता दरबार, ये सब फेल हो गए। अब अरविंद केजरीवाल के लिए रेड कारपेट बिछ रहा है पंजाब के अंदर, ये छोड़ के भाग जाएंगे, बॉर्डर स्टेट के अंदर रहेंगे। दिल्ली वाले को बर्बाद करके 7,000 करोड़ के घाटे की चोट देकर अब ये भागने की तैयारी कर रहे हैं। और लेकिन जाने से पहले, जो बुझने से पहले दिए की फड़फड़ाहट होती है अरविंद केजरीवाल की, वो फड़फड़ाहट साफ नजर आ रही है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।